नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। सुबह सुबह की आज जो बड़ी खबर है वो सीधा रांची से निकल के आ रही है। रांची में लालू प्रसाद यादव की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी और उम्मीद जता रहे हैं राजद के सभी वो बड़े नेता और राजद पूरा परिवार कि आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी। लेकिन इसको लेकर के बिहार में जो सियासत है वो तेज़ हो गई है, जो हलचलें हैं वो तेज़ हो गई हैं। यदि लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो क्या जदयू और बीजेपी का स्टैंड होगा? खास बातचीत करते हुए हमसे जदयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। साथ साथ उन्होंने तेज और तेजस्वी पर तंज भी कसा है। आरोप में गए हुए जेल व्यक्ति अगर बाहर भी निकल आते हैं तो उनको भी अब शर्तों के साथ जो कोर्ट का अपने परिवार में रहेंगे, स्वास्थ्य की अपना स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। लेकिन वैसे में जनता को अब कोई ऐसे सिंपैथी मिलने वाला नहीं है। और जहाँ तक राजनीति के हैं, राजनीति पूरी तरह स्पष्टता है कि बिहार में NDA की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सफलतापूर्वक चल रही है और किसी के भी जेल से बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं आपकी सरकार को कुशासन की सरकार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आपकी सरकार अंधी हो गई है, आप लोग कुछ कह नहीं रहे? देखिए, तेजस्वी जी की ट्वीट जो है वो लीक से हटके है, जनता के हित से परे है। वो कहीं ना कहीं पैरानॉइड हैं कि केवल किसी तरह से नकारात्मक मुद्दे को उठाते हैं और हमारे नेता पर ट्वीट करना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, टिप्पणी करने का स्टैंडर्ड भी नहीं मेंटेन करते हैं। और हमें लगता है कि उन्हें कुछ टिप्पणी भी किसी चीज़ को सकारात्मक मुद्दे पर रहते नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए सकारात्मक और जनता के हित की बात करनी चाहिए। वो अपने तंज में करने के चक्कर में, वो शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। वो शब्दों के चयन में ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ करते हैं जो हमें लगता है कि एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऐसी टिप्पणी और ऐसे शब्दों का चयन नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को ट्वीट करें, सकारात्मक ट्वीट करें, जनता के जनहित की ट्वीट करें, किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होकर के ट्वीट न करें। कोई भी एक ऑब्सेशन डिसऑर्डर उनको न हो तो बेहतर है। उनके ट्वीट में किसी भी प्रकार का सकारात्मक चीज़ या जनहित के चीज़ नहीं रहते हैं। मेरा सुझाव है कि जनता के बीच से रूबरू हूँ, ट्वीट से ज़्यादा जनता के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। अभी उनको ट्वीट करने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि उनका जो अपने जो मीडिया माइलेज, उनके परिवार के ही उनके बड़े भाई, वो अपने अपने कारनामों से वो मीडिया माइलेज ले रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी अपने आप को मीडिया अटेंशन लेने में पीछे हो जा पा रहे हैं, उन्हें मीडिया अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसी के लिए वो तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं ताकि उनको मीडिया अटेंशन मिले। मतलब कि इसका मतलब साफ आप कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव से डर है? देखिए, पूरी तरह जबकि राजनीतिक विरासत में ताजपोशी हो और राजकुमार को ताजपोशी हो और राजकुमार एक से ज़्यादा हो तो निश्चित ही वर्चस्व की लड़ाई होगी और वर्चस्व की लड़ाई परिवार में भी चल रही है और उस परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के कारण तेज प्रताप जी ने पूरी तरह पार्टी के कार्यालय को कब्जा कर रखा है। अपने राजनीतिक स्टंट से वो मीडिया का टेंशन ले पाने में तेजस्वी यादव जी को पीछे छोड़ दिए हैं। तेजस्वी यादव जी को मीडिया टेंशन मिल नहीं रहा है, पार्टी में उनकी पकड़ कमज़ोर हो जा रही है, तो वो जनता से रूबरू हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। जिस तरह से आपने वीडियो के माध्यम से सुना किस तरह से तेज और तेजस्वी के बीच में बड़ी टक्कर हो रही है, ये बता दिया है साफ साफ जदयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते भी हैं तो जनता जान रही है कि कितने भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, कितने भ्रष्टाचार में उनका परिवार लिप्त है। ये बयानों के माध्यम से आपने सुना जदयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार निकल गया है। लेकिन बड़ी बहस ये हो रही है इस वक्त सभी मीडिया चैनल्स में या कहीं भी मीडिया रिपोर्ट्स में कि लालू प्रसाद यादव को क्या जमानत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन लाइव सिटीज आपको इस सवाल से भी ज़रूर रूबरू कराएगा, इस सवाल के जवाब से भी रूबरू कराएगा। आज 12:01 तक फैसला आ जाएगा, उम्मीद है। क्या होगी उस याचिका पर सुनवाई, उस जवाब से लाइव सिटीज आपको सबसे पहले रूबरू कराएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।